स्पॉन्सर्ड बाई NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी, पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में स्थित महाकाल लोक राष्ट्र को किया समर्पित। रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में दिखाया गया इसका सीधा प्रसारण। आपको बता दें कि आज उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर मंदिर में नवनिर्मित कॉरिडोर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में आयोजित हुए कार्यक्रम, रीवा के किला परिसर में स्थित भगवान महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित किया गया लाइव प्रसारण कार्यक्रम। इस अवसर पर मंदिर की विशेष लाइटिंग के साथ आकर्षक सजावट की गई। मंदिर में जलाए गए आकर्षक दीप, वहीं बेमौसम हो रही बरसात ने कार्यक्रम से पहले बारिश ने खलल जरूर डाला। तय स्थान पर नहीं हो सका कार्यक्रम, जिसके बाद किला स्थित हॉल में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। जिले के 21 प्रमुख मंदिरों सहित प्रत्येक गाँव में आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, महामृत्युंजय भगवान की करी पूजा। इस दौरान पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह, कलेक्टर मनोज पुष्प, SP नवनीत भसीन, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उज्जैन में बाबा महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। पूरी दुनिया ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको देखा है और ऐतिहासिक भाषण प्रधानमंत्री जी का रहा। इसके विकास से किस तरह मानव जाति का विकास और सारी दुनिया का विकास हो सकता है, उससे संबंधित जो बातें कही हैं उसने सभी के दिलों को छुआ है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो अति भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उससे जो प्राचीन इतिहास उज्जैन का रहा है उसमें और चार चांद लगे गया है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि धार्मिक केंद्रों के स्थलों की यदि हम उपेक्षा करेंगे, वहाँ विकास यदि हमको नहीं दिखाई देगा तो फिर ईश्वर की कृपा कैसे बरसेगी, और बिना ईश्वर की कृपा से हम उस लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मानवीय प्रयास से नहीं होगा, मानवीय प्रयास भी चाहिए और उसमें ईश्वर की कृपा भी चाहिए, और उसके लिए इस प्रकार के कामों की ज़रूरत है जो आज उज्जैन में हम लोगों ने देखा है। आने वाले समय में महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर क्या महामृत्युंजय मंदिर भी कॉरिडोर बनाया जाएगा? अभी बाबा महामृत्युंजय की कृपा होगी तो सब कुछ होगा लोगों के लिए। मैं तो केवल यही कहूँगा कि जब तक महाकाल की कृपा ना हो ये शब्दों की उद्घोषणा नहीं हो सकती है। आज आदरणीय मोदी जी ने जो अपना प्रवचन रूपी भाषण दिया वो मैं मानता हूँ कि पूरी NCERT या हिस्ट्री या कल्चर की किताबों में वर्णित हो सकता है।